In another 10 minutes, there is going to be voting. It's a constitutional order, not a constitutional amendment, constitutional order. So I have appealed to all members to be present in the House, because on scheduled caste, we have approved it. Now this is something connected with scheduled tribe of a particular state. So I appeal to members, if they are there in the, here and there, please come into the House. The Mantriji, Srimati Renuka Singh Sarutaji, to move a motion that for consideration of the Constitution, we aapne move kiya, so isliye hai abhi uttar dena chahiye, to uttar dijiye. Abhi behas hua na, behas ka hua. Baad mein voting hoga. माननीय सभापति महोदय जी, कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को पारित करने का प्रस्ताव मैंने आज पेश किया, और मुझे खुशी है कि इसके समर्थन में राज्यसभा के 15 सम्मानीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। नाम ले दूं? माननीय सभापति महोदय, आज राज्यसभा में लगातार ये दूसरी बार अभी एसटी एससी आरक्षण बिल को लेकर यानी यहाँ पर चर्चा हुई, और आज कर्नाटक के अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में परिवारा, तलवारा और सिद्धि समुदाय को शामिल करने के लिए यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा तथा विकास के लिए राज्य को विशेष जिम्मेदारी का आदेश देता है। संविधान का अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाता है। सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधित की जाएगी, जिससे समुदायों नामतः नायका के पर्यायवाची के रूप में क्रम संख्या 38 पर परिवारा तथा तलवारा और क्रम संख्या 50 पर विद्यमान सिद्धि, जो कि उत्तर कन्नड़ जिले के अंतर्गत आते हैं, का विस्तार धारवाड़ तथा बेलगावी जिलों के सिद्धि समुदाय के लिए मंजूर किया जाएगा। यहाँ पर कई सम्मानीय सदस्यों ने अपने अपने प्रदेशों के जनजाति समाज को अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव राज्यों से हमारे केंद्र सरकार को, जनजाति मंत्रालय को आए हैं, इसके संबंध में जानकारी चाहा है, तो मैं उन सभी सम्मानीय सदस्यों को ये अवगत करा देना चाह रही हूँ कि देश के 21 प्रदेशों से कई जनजातीय समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव अभी भारत सरकार के पास है, और जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित नहीं हो पाते हैं उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। जैसे किसी भी जाति को जनजाति समुदाय में शामिल करना हो तो उसके लिए सरकार के कुछ विशेष मापदंड हैं। कोई भी जाति यदि अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार से यहाँ पर प्रस्ताव आता है, और उस प्रस्ताव में ये मापदंड तय किया गया है कि वो अनुसूचित जाति या समुदाय के अंदर क्या आदिम लक्षण है, उसकी कोई विशिष्ट संस्कृति है, भौगोलिक अलगाव और विशाल समुदाय से जुड़ने में संकोच, आर्थिक पिछड़ापन, ये मापदंड हैं। इन मापदंड के आधार पर यदि राज्य सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव देती है तो हम उस प्रस्ताव को भारत सरकार के महापंजीयक को भेजते हैं, और महापंजीयक कई चरणों में उसका परीक्षण कराती है, और महापरीक्षण कराने के बाद उसकी यदि सहमति होती है तो जनजाति आयोग को भेजा जाता है, और जनजाति आयोग भी परीक्षण करती है, और जब सकारात्मक उसमें अभिमत आता है तो वो हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के पास आता है, और फिर हमारा मंत्रालय उसको अंतर मंत्रालय टिप्पणी के लिए भेजता है, और वहाँ से यदि सकारात्मक रिपोर्ट आता है उसके बाद वो कैबिनेट को जाता है, और कैबिनेट में पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास वो आदेश के लिए जाता है, उसके बाद फिर उसके लिए अधिसूचना जारी होती है।
तो मैं सभी सम्मानित सदस्यों के जानकारी देना चाह रही हूं कि 21 प्रदेशों के मेरे पास सभी प्रदेशों के, जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ जातियों का नाम लिया है यहाँ पर उल्लेख किया है, तो ठीक है आपने सभी प्रदेशों की यहाँ पर जो प्रस्ताव आया है उसकी जानकारी मैं आप सबको, आपने बताया पद्धति क्या है कि सब सुझाव ध्यान में रख के आगे बढ़े, अलग अलग उपलब्ध करा दूंगी। और माननीय सदस्यों ने ये जानकारी चाहा है और इस बात को हम लोगों को एक सुझाव के रूप में भी दिया है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं बहुत गरीबी अवस्था में है, उनको आरक्षण कई जगह पे उनको कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो यदि ये जैसे कर्नाटक के जो तलवारा परिवारा और जो सिद्धि है अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाते हैं तो इसके बाद इनको भारत सरकार की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं और स्कीमों का जो लाभ है वो सब उनको मिलने लगेगा। तो मैं आज सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल हमने आज पेश किया है इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अच्छा है, अच्छा।